हम हमेशा सोचते हैं कि अगर पेड़ बात करते तो क्या होता। हो सकता है कि वो हमसे बात ना करते हों, पर वो एक दूसरे से ज़रूर बात करते हैं। अब हमारे मन में कुछ सवाल आते हैं। पहला, पेड़ कैसे बात करते हैं? दूसरा, वो किस बारे में बात करते हैं? और तीसरा, क्या हम उनकी भाषा सीख सकते हैं या नहीं? तो चलिए शुरू करते हैं टेकएक्स चर्चा का एपिसोड 1, जिसमें हम अलग अलग सब्जेक्ट्स को लेकर अलग अलग चर्चा करते हैं। आज का विषय है पेड़ों की बातें। तो चलिए शुरू करते हैं। पेड़ों की बात करने की प्रोसेस शुरू होती है हब ट्रीज से। हब ट्रीज वो पेड़ होते हैं जो जंगल में सबसे बड़े और पुराने पेड़ होते हैं, जो ज्यादा सनलाइट लेकर फोटोसिंथेसिस के द्वारा ज्यादा शुगर प्रोड्यूस करते हैं, जिससे जंगल की जमीन में उगने वाली फंगाई होती है, जिसे बढ़ने के लिए शुगर की जरूरत होती है, वो अपनी बॉडी को फैला लेती है, जिसकी बॉडी ज़्यादातर एक ही चीज़ से बनी रहती है, जिसे कहते हैं माइसीलियम। ये फंगाई अपनी जड़ों को फैलाकर ज़्यादा शुगर और न्यूट्रिशंस पेड़ों से ले लेती है और उनको भी ज़्यादा वाटर प्रोवाइड करती है। इस लेनदेन को हम कहते हैं माइक्रोहाइजा, जिसका मतलब होता है फंगस प्लस रूट्स। ये पेड़ों की जड़ें और फंगस की जड़ें मिलकर एक नेटवर्क बना लेती हैं, जिससे वो एक दूसरे को पानी, न्यूट्रिशंस और शुगर भेज सकते हैं, और कभी कभी नए पौधों को उगने में भी मदद करते हैं, और कभी कभार वो एक दूसरे को वार्निंग सिग्नल्स भेजने के लिए भी काम आते हैं। पर कितने पेड़ एक दूसरे से बात कर सकते हैं? कैनेडा के जंगलों में की गई एक स्टडी के अनुसार पता चला है कि लगभग एक पेड़, जो कि जंगल में सबसे बड़ा है, वो 47 अलग अलग पेड़ों से जुड़ा हुआ है, और अगर एक पेड़ को काट दिया जाए तो 47% कनेक्शन खत्म हो जाएगा। ये नेटवर्क बड़े और मजबूत पेड़ों को उगने में मदद करता है, जो इस जंगल को ध्वस्त भी करेगा अगर ये पेड़ कट जाएं। अब हम जानते हैं कि क्या हम पेड़ों की भाषा सीख सकते हैं कि नहीं, और क्या वो किस बारे में बात कर रहे हैं वो पता कर सकते हैं या नहीं। अभी हम नहीं जान सकते कि पेड़ किस बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन आगे का किसे पता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।